আপনারা দেখছেন পিএম নিউজ 365। कैसा करके नर्स ठीक करेगा इसका सरकार जवाब दे। क्या मोदी सरकार ने आजादी के लड़ाई में था जो आज वो साबित करने पे तुला हुआ है कि हिंदुस्तान कौन होगा, हिंदुस्तानी कौन होगा, वो कौन होता है ठीक करने वाला, उसको बैठाया गया हम लोग। जिस दिन आवाम अपने अंगूठे का इंपॉर्टेंट समझ जाएगा ना, अच्छे अच्छे मोदी सरकार भाग जाएंगे, अच्छे अच्छे मोदी, क्योंकि ये अंगूठा ही उन लोग को बैठाता है और ये अंगूठा ही उन लोग को उतारेगा। फर्क इतना है कि भाइयों, हम लोग बहुत गरीब हैं और जब गरीब की ताकत याद हो जाती है ना, एक साथ हो जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। हम यहाँ पे बोलने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जुलूस निकालो, सब चीज़ निकालो, और एनआरसी के खिलाफ, एनआरसी ठीक मत करो, डॉक्यूमेंट्स ठीक मत करो, बल्कि दिखा दो मोदी सरकार के तख्तों को उल्टा दो कि हम लोग एनआरसी रहेंगे नहीं, बल्कि हम लोग इस जड़ से उठा देंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हमने फेसबुक में एक लफ्ज लिखा था, क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बोलना हम लोगों को जायज है? तो दुनिया का कमेंट्स आने लग गया, क्यों नहीं, कैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हम बोला बस आप लोग यही कर सकते हैं, अगर कोई माई का लाल है तो रास्ता में आकर बात करे, फेसबुक से करनी। यहाँ तो डर हो गया था, जिस दिन बाबरी मस्जिद का ऐलान हो रहा था, यहाँ तो फेसबुक में कमेंट्स करना डर हो गया था कि करेंगे तो मोदी सरकार पुलिस ने भिड़ा दे मेरे घर में, उठा नहीं ले। लेकिन ऐसा बात नहीं, एनआरसी होने नहीं देंगे, चाहे वो रिक्शा वाला हो या बड़ा ऐसा बिजनेसमैन हो। एक बात याद रखना कि अंग्रेज ने फारसी को हटाने के लिए उर्दू लाया था, फारसी को हटाने के लिए, क्योंकि फारसी जो पर्शियन जो गवर्नमेंटी जबान थी, और वो हिंदुस्तान को हटाने के लिए उर्दू लाया था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो बुद्धू और बेवकूफ हिंदुस्तानी है ना, एक चीज लेने के बाद दूसरा चीज हाथ में थमा दोगे चुप रह जाएगा। हम लोग ने नोटबंदी, नोट को तब्दील होते हुए आसानी से जाने दिया, इसलिए वो आज जूता सर पे मार रहा है, आज जूता सर पे मार रहा है। और आप लोगों को अपने बच्चों से अगर प्यार है, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल से प्यार है, तो आज के बाद एनआरसी डॉक्यूमेंट ठीक नहीं, बल्कि एक दिमाग में होना चाहिए कि एनआरसी होने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। जय हिंद। एक दिमाग में होना चाहिए कि एनआरसी होने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। जय हिंद।